इमामबाड़ा मुतवलियान कमेटी की ओर से रविवार को इमामबाड़े के मुतवलियों और गणपति पूजा उत्सव के आयोजक द्वारा शांतिपूर्ण सद्भाव के साथ त्योहारों को संपन्न कराने के लिए उनका सम्मान शहर के एक निजी मैरिज हाउस में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने इमामबाड़ों के मुतवलियों और गणपति पूजा उत्सव के आयोजकों ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शमशाद खान भोला, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक शाकिर अली सलमानी, डॉक्टर मोहसिन खां सहित बड़ी संख्या में इमामबाड़ों के मुतवलियों और गणपति पूजा उत्सव के आयोजक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, जाके देख लेना, इसी कोतवालों ने शाहपुर स्टेट के राजा इनायत अली के कहने पर और गोरखपुर के देश के दुश्मन अंग्रेजों को भगाना चाहा, तो उस वक्त सरदार अली खान ने 10,000 की फौज इकट्ठा की। यही वो सरदार अली खान है जिनकी मजार को बंधु सिंह नाम के एक ऐसे ठाकुर ने, बंधु सिंह ने तरकुलहा देवी के मंदिर जहां आप जाते हैं, तरकुलहा देवी के जंगलों में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने लिखा, डॉक्टर दानपाल सिंह ने लिखा, महबूबुत तवारीख में अहमद अली शाह 1805 ईस्वी में लिखते हैं, यही मियां साहब प्रकाश पांडे लिखते हैं शहरनामा गोरखपुर के, कि सरदार अली खान गोरखपुर का वाहिद शख्स था जो अपनी हवेली से क्रांति की ज्वाला जलाया। बारी बारी से बोल दिया जाए और पूजा वाले भी जो लोग आए हुए हैं जिम्मेदारान वे भी मंच पर आए, उनका सम्मान हो गया हो वो नीचे आ जाए मंच के और फोटोशूट करा ले, जिनका सम्मान हो गया है जिनको साल मिल चुकी हो वो नीचे आ जाए और नीचे आके फोटोशूट कराए। जो हमारे गणेश पूजा पंडाल समिति के अध्यक्ष हैं वो आगे आगे कर लें, ये पता चले कि गणेश पूजा पंडाल समिति और मुहर्रम के मुतवलियों का सम्मान हो रहा है, ऐसा ना हो कि सिर्फ मुतवली ही आगे दिखे। आज इमामबाड़ा मुतवानी तरफ से तमाम मुतवली लोगों को और गणेश पूजा के आयोजकों को जो है सम्मान किया गया है, और यहाँ देखने को ये मिला कि जिस तरीके से ये दोनों त्यौहार सकुशल बीते, तो इसके लिए यहाँ इसके आयोजक माननीय इरशाद भाई ने इसका उसकी व्यवस्था की कि हम मुतवली लोगों को और गणेश पूजा के आयोजकों को सम्मानित करें ताकि भविष्य में इस तरीके से प्रेम हम लोगों का बना रहे और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े।